यहाँ हटाओ भाई, आज यहाँ पुराने शहर में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुआ जिसमें मुहर्रम से जुड़े हुए सभी इंतजाम के बारे में गुफ्तगू हुई। हमारे डिपार्टमेंट के सभी बुजुर्ग ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स, हमारे कम्युनिटी यहाँ ओल्ड सिटी के सभी बुजुर्ग लोग, एमएलए साहब, एमएलसी साहब, सभी लोग हाजिर हुए और हम लोगों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन एक ऐसा किया कि आने वाले समय में सब लोग मिलकर एक अच्छा गंगा जमुना तहजीब का एक नमूना फिर से पेश करेंगे जिसमें कि अमन चैन के साथ मुहर्रम की सारी इंतजामात अच्छे तरीके से हो। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार मुहर्रम के साथ गणेश का भी बंदोबस्त है और हर साल की तरह हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी लोग मिलकर एक दूसरे के इमोशंस को, रिलीजियस फीलिंग्स की कद्र करते हुए, उनकी इज्जत करते हुए अपने अपने तरीके से सभी काम करेंगे। ऐसे मौके पे खास करके कुछ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ जो कभी कभी कोई फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ या दूसरे देश के वीडियो को व्हाट्सएप पर देखकर घबरा जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये उन सब वीडियो का हिंदुस्तान और हैदराबाद से कोई मतलब नहीं है। कुछ वीडियो जो पुराने 10 साल पहले इराक में क्या हुआ, चेचनिया में क्या हुआ, बोस्निया में क्या हुआ, इन सब का वीडियो को डाउनलोड करके कुछ शरारती लोग शैतानी करना चाहते हैं, उनके मंसूबों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। और खास करके उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैं आगाह करता हूं कि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इस तरह की कोई वीडियो का फॉरवर्डिंग हुआ तो कानून के नजर में आप गुनाहगार साबित होंगे। ऐसा वीडियो को आप न तो फॉरवर्ड करें और न तो उसके बारे में चर्चा करें। अगर आपको किसी तरह का डाउट या कुछ हेजिटेशन है तो हमारे लोकल पुलिस ऑफिस में जाएं, पुलिस स्टेशन में, उनको बताएं। आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, आपके बच्चों के हिफाजत के लिए, इस देश के माहौल को अच्छा रखने के लिए और जिस रास्ते पे हैदराबाद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जा रहा है इसको बरकरार रखते हुए हम लोग सबको मिलकर इस तरह की शैतानी ताकतों को रोकना होगा। डिपार्टमेंट हमेशा 24 घंटे आपके साथ है। जब भी कोई किसी भी वक्त आपको ज़रूरत हो आप डायल 100 पर फ़ोन कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सिटी में 120 के लगभग पेट्रोल कार है जो कि 8 से 10 मिनट के अंदर हैदराबाद में आप कहीं से फोन करें आपके पास हाजिर हो जाएगी। हम सब आपके लिए हैं, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हैं। आप और हम मिलकर हमेशा से हम लोग जो हैदराबाद का एक झंडा ऊपर रखे हैं उसको ऊपर रखना है और इसी तरीके से गंगा जमुना तहजीब का माहौल बनाकर आगे बढ़ते चलते रहना।